वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वाले दो आरोपी मुस्लिम हैं, जिनके नाम शाहिद हुसैन और सलमान है। दरअसल हाल ही में भारत रेल मंत्रालय ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कुछ यूजर्स ये दावा करने लगे कि ये दोनों आरोपी मुस्लिम समुदाय से है। भाजपा नेता और वकील प्रशांत उमराव ने भी यही दावा किया। भाजपा समर्थक जितेंद्र प्रताप सिंह समेत कुछ राइट विंग अकाउंट्स ने भी इस दावे को आगे दोहराया है। हालांकि बाद में इस मामले में छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज को ये कुछ रिपोर्ट्स मिली, जिसमें आरोपियों के नाम मनीष उर्फ बादल और विकास उर्फ सुपर को अरेस्ट किया गया था। खबरों के अनुसार 16 नवंबर को पटना टाटा वंदे भारत और गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के आरोप में आरपीएफ और रेल पुलिस की टीम ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यानी ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले लोग मुस्लिम नहीं है। पहले भी ट्रेन एक्सीडेंट करवाने के लिए कथित रूप से मुस्लिम युवकों के शामिल होने की एक मनगढ़ंत थियोरी के चलते कुछ दावे सोशल मीडिया पर चलाए गए थे। हालांकि ये दावे भ्रामक और पूरी तरह से गलत साबित हुए थे।